ये हमारा एमसीक्यू नंबर 42 है और इसमें आपको सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। अब जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला जाता है तो उसका मतलब है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और आपको ये डेटा दिया हुआ है, इसी के बेसिस पे आपको निकालना है कि क्या होगा। ठीक, तो चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्या हो, कैसे इसको बनाएंगे। तो पहले देखिए कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये दो फॉर्मूलाज होता है, एक ये है डेविएशन फॉर्म और ये है डायरेक्ट मेथड। तो आपको डेटा में देखना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, और उसमें अगर डेविएशन फॉर्म का दिया हुआ है तो आप डेविएशन फॉर्म के बनाएंगे, और अगर डायरेक्ट मेथड का सारा रिजल्ट दिया हुआ है तो आप उसको डेटा में डालकर बनाएंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दोनों दिया हुआ है, आप डेविएशन से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा डेविएशन ही ज़्यादा आसान होगा, यहाँ पर हम डेविएशन से ही बनाएंगे। जैसे यहाँ एक्स वाई 1810 दिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स वाई की जगह पर 1810 लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1810, और उसके बाद एक्स आई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर डेविएशन, एक्स स्क्वायर पर क्या होगा, ये देखिए डेविएशन यानी स्मॉल एक्स है, ये डेविएशन फॉर्म है, तो इसका एक्स स्क्वायर होगा 330। तो हमने यहाँ क्या रख दिया, इसके जगह पे हम 330 रख देंगे, 330 ये इसमें रहेगा क्या रूट में है 330, तो इसे हम रूट में ही रखेंगे 330। और उसके बाद वाई यहाँ भी है वाई स्क्वायर, ये भी डेविएशन फॉर्म में है, तो ये डेविएशन फॉर्म वाला हम वाई स्क्वायर लेंगे यानी 10,419। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,419 से, 10,419। अब यहाँ देखिएगा कि ये दोनों रूट में अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, तब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही हमने किया है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि आपको ये तो 1810 यानी 1810 रहेगा ही, और आपको नीचे जो है 1860.56 मिलेगा, और जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.97 कुछ आएगा। ये हमारा बहुत ही आसानी से सोल्व हो गया, और अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें भी रख कर कर सकते हैं। तो वो आपको सोचना है कि कौन सा मेथड मैं यूज करूं, और वो डेटा से ही आपको पता चलेगा कौन सा मेथड यूज करना है। यहाँ तो खैर दोनों का दे दिया है, लेकिन आपको दोनों का नहीं दिया रहेगा, या तो डेविएशन फॉर्म का डेटा दिया रहेगा या फिर डायरेक्ट मेथड, ये जो डायरेक्ट मेथड है इसका दिया रहेगा, ये जो डेविएशन फॉर्म का है इसका भी दिया रह सकता है, तो आप खुद से तय करेंगे इसको। बाकी 0.97 हम देखते हैं ऑप्शन में आई क्रीम, तो 0.97 ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है कहीं। हाँ यहाँ पे देखिए ये 97 यहाँ पर है हमारे ऑप्शन में, तो होपफुली ज़्यादातर लोगों ने सही किया होगा। हाँ सही है, ज़्यादातर लोगों ने सही किया, किसी किसी ने गलती की है।